इम्पोर्टेंट पर्सन है। राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? चित्र कृष्ण अष्टमी को। यह त्यौहार जोधपुर के राव सातल देव की याद में मनाया जाता है। इस दिन महिला छिद्रित मटके में दीपक रखकर नृत्य करती हैं और ये त्यौहार चित्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चित्र कृष्ण अष्टमी को अगला प्रश्न। संघ में अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अस्थायी विधि से ये होता है और संसद के अवकाश काल के समय ही जारी किया जा सकता है। सामान्यतः अध्यादेश 6 माह तक मान्य होता है, लेकिन संसद का सत्र प्रारंभ होने पर 42 दिनों में अध्यादेश पर विचार नहीं होता है तो ये समाप्त समझा जाता है। अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है 6 माह और 42 दिन की होती है। साथियों साइकोलॉजी का प्रश्न है, हरमन रोरसा के स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 10 होते हैं साथियों। ये हरमन रोरसा ये भी स्विट्जरलैंड के थे। 1921 में यह व्यक्तित्व मापन परीक्षण इन्होंने दिया 1921 में। इसमें इन्होंने 10 कार्ड बताए, 5 कार्ड काले व सफेद तथा 5 विविध रंग के, तो इस प्रकार से 10 कार्डों को शामिल किया। यह है स्याही धब्बा परीक्षण। अगला प्रश्न है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके सहयोग से संचालित है? जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से। यह योजना 2003 में प्रारंभ हुई जो कि 18 जिलों में संचालित है, 18 जिलों में, और इसका द्वितीय चरण साथियों 2011 से 2024 तक पूर्ण होगा। यह JICA के आर्थिक सहयोग से 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है, तो यह भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? सलीम से। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह 1587 में शहजादे सलीम, जिसको जहांगीर बोलते हैं, से किया और इसी को जगत गुसाई के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? मोहर्रम। यह त्योहार मोहर्रम माह 10 तारीख को मनाया जाता है, मोहर्रम महीने की 10 तारीख को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, यह प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति की शपथ का संबंध अनुच्छेद 60 से है साथियों। यह साइकोलॉजी का प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किया मुर्रे ने। यह व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है और इसका प्रतिपादन 1935 में किया गया। किसने किया? मोर्गन व मुर्रे ने। इसमें साथियों 31 कार्ड का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक कार्ड क्या होता है? सादा, बाकी 75 होते हैं। खेजड़ी वृक्ष सामान्यतः किन वनों में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में। यह शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन है और सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत वन है। अगर जिलों की बात की जाए, जैसलमेर है, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर, इन जिलों में विस्तृत है, फैला हुआ है। अगला प्रश्न है साथियों, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? सिया। राव सिया को राठौड़ वंश का संस्थापक
वह मूल पुरुष भी कहा जाता है, यह भी ध्यान में रखें। ईसाइयों द्वारा ईस्टर का त्यौहार मनाने का क्या कारण है? इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईसा मसीह के पुनर्जीवन पर आधारित ईस्टर त्यौहार अप्रैल माह में गुड फ्राइडे के तुरंत बाद वाले रविवार को मनाया जाता है। तो इतनी बात इसमें ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है 5 वर्ष के बाद में। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और प्रतिवर्ष 5 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। ये साइकोलॉजी का है। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है हीनता की भावना। शारीरिक दोष ग्रस्त जो बालक है वो मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव महसूस करते हैं, जिससे उसमें क्या आती है, हीनता की भावना पनपती है और इससे उनका अधिगम है, सीखने की जो इच्छा है वो भी प्रभावित होती है। तो ये थे साथियों कुछ मिले जुले प्रश्न, जिसमें साइकोलॉजी के भी हैं, आपके हिस्ट्री के भी हैं, राजस्थान जीके के। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं कोई नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।